ना प्रारणाई चल रही है ना, हाँ चलती रहनी चाहिए और सब बढ़िया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न इंस्पायर पे। आज हम लोग आईपीसी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 7 कवर करने वाले हैं। भाइयों, लास्ट लेक्चर को अगर नहीं देखा है तो इसको देखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए सेक्शन 34 और सेक्शन 49 को हम रिलेट करके पढ़ रहे हैं। तो अगर नहीं देखा है ना, तुरंत जाओ आई बटन पे और देख लो। तो अब जो कि तुम देख के वापस आ चुके हो, तो हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को सेक्शन 149 समझना है आज, और उसके बाद कॉमन इंटेंशन वर्सेस कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस ड्रॉ करना है, ठीक है। ठीक है, तो आज का हमारा टारगेट समझ में आ रहा है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर हम लोग को सेक्शन 149 समझना है तो उससे पहले सेक्शन नंबर 141 और सेक्शन नंबर 142 समझने की बहुत जरूरत है। बिकॉज सेक्शन नंबर 149 में अनलॉफुल असेंबली नाम के टर्म का यूज हुआ है, जो कि डिफाइन किया गया है कहां 141 में। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे सेक्शन नंबर 141, ठीक है। तो हमारी अप्रोच तो आप जानते ही हैं, बेयर उठाइए और चलिए रीडिंग लगाइए। तो ढूंढा जाए सेक्शन नंबर 141। अनलॉफुल असेंबली, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 के अंदर दिया गया है, ठीक है, ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अंदर पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 141, जो कि बात करता है अनलॉफुल असेंबली के बारे में मेरे भाई, ठीक है। अब हम लोग रीडिंग लगाते हैं, ठीक। एन असेंबली ऑफ 5 or more people, अंडरलाइन करते चलना, 5 or more persons इज डेजिग्नेटेड एज एन अनलॉफुल असेंबली, ठीक है, ठीक है। इफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन कंपोजिंग दैट असेंबली इज, चलो रीडिंग लगाते हैं, क्या, टू ओवर ऑ बाई क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स द सेंट्रल और एनी स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और एनी पब्लिक सर्वेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ द लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। पहला, चिंता नहीं, सब अपन डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स अलग से लिख के रखे हैं, तुम लोगों को थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है। अपन रीडिंग लगा रहे हैं ताकि बेरेट की लैंग्वेज का भी अपने को आइडिया हो, ठीक है। हाँ, तो सेकेंड बात कही जा रही है कि टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और ऑफ एनी लीगल प्रोसेस, ठीक है। थर्ड बात कही जा रही है कि टू कमिट एनी मिसचीफ ऑफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस, ठीक है भाई, ठीक है। फोर्थ बात कही जा रही है, बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन टू टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ राइट ऑफ वे और ऑफ द यूज ऑफ वाटर और अदर इनकॉर्पोरियल राइट्स, ठीक है। इनकॉर्पोरियल राइट्स क्या होता है बताऊंगा, ठीक है, चिंता नहीं। ऑफ विच ही इज इन पोजेशन और एंजॉयमेंट और टू इन्फोर्स एनी राइट सपोज राइट, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट, बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, ठीक है, टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, ठीक है, और टू ऑमिट टू डू व्हाट ही इज लीगली एंटाइटल टू डू। अच्छा देखो मेरे भाई, बहुत अंग्रेजी लिखी है ना, कुछ ज्यादा ही हो गया। तो अगर हम बात करें कि अपनी भाषा में तोड़ मरोड़ना है सेक्शन को, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले बात समझते हैं सेक्शन 141 का ऑब्जेक्ट क्या है। देखो यार, अनलॉफुल असेंबली की बात हम तब करते हैं जब बहुत सारे लोग एक किसी जगह पे इन्वॉल्व हो, किसी क्राइम में इन्वॉल्व है ना। तो अगर हम एक बात समझो, जब काफी सारे लोग मिलकर बात करते हैं ना, प्लुरैलिटी मतलब बहुत सारे ऑफेंडर्स, प्लुरैलिटी ऑफ ऑफेंडर्स होता है, तो इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड द लायबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देम, मतलब कि डिफिकल्ट होता है हर किसी की लायबिलिटी को डिसाइड करना। तो इसीलिए हम लोग सेक्शन 141 में अनलॉफुल असेंबली को डिफाइन कर देते हैं, ताकि उस असेंबली के अंदर जो जो आदमी आए उसको पनिश करने में आसानी रहे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट तो ये रहा। अब बात आई
कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इस सेक्शन के। देखो मेरे भाई, सबसे पहले बात करी गई थी कि पांच आदमी हो या पांच से ज्यादा आदमी हो, ठीक है, तो फाइव और मोर पर्सन होने चाहिए, बहुत जरूरी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्ट से मतलब समझो समान उद्देश्य होना चाहिए, मतलब हम सब इकट्ठे हुए एक ही कांड करने के लिए, ठीक ठीक। अच्छा, अब वो जो असेंबली इकट्ठी हुई है ना, वो इन पांचों में से किसी एक तरह के कांड को करने के लिए इकट्ठी हुई होनी चाहिए, एक एक करके समझते हैं। टू ओवरऑल गवर्नमेंट बाई क्रिमिनल फोर्स, देखो क्रिमिनल फोर्स और फोर्स क्या होता है ये मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा, इसलिए अगर नहीं आता है समझ में तो अभी जो तुम्हें बेसिक समझ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना एक क्रिमिनल फोर्स की, उसी हिसाब से समझ के चलो कि टू ओवर ऑ गवर्नमेंट बाई क्रिमिनल फोर्स, ओवर ऑ मतलब कि एप्रीहेंशन ऑफ अलार्म और फियर, यानी कि क्रिमिनल फोर्स का यूज करके अगर पांच से या पांच से ज्यादा आदमी गवर्नमेंट के किसी काम में बाधा डालें, यानी कि पब्लिक सर्वेंट जैसे मान लो कह रहा है या पुलिस कहती है मान लो कि एक जगह पे जमावड़ा लगा हुआ है लोगों का और किसी कारणवश पुलिस को वहां से लोगों को हटाना है और लोग नहीं हटते हैं, तो सिर्फ इतना मात्र भी उनका अनलॉफुल असेंबली, इतना कार्य भी उनका अनलॉफुल असेंबली के अंदर आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर वन समझ में आ रहा है? आ रहा है भाई, आ रहा है। टू रेजिस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ हिम ऑफ ए लीगल प्रोसेस, देखो यार ऐसा है, लीगल प्रोसेस की डेफिनेशन भी अपन लोगों को समझनी पड़ेगी। देखो अगर मेरे को मैं ऐसे पुलिस ऑफिसर, मुझे वारंट मिला है कि मैं इस बंदे को अरेस्ट कर लूं, ठीक, अब मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं जाकर उसको अरेस्ट करूं, जो आदमी मेरे को उस करते में रोकेगा तो वो अगर मतलब पांच लोगों से ज्यादा होंगे और मुझे रोकेंगे वो लोग, तो वो लोग एक अनलॉफुल असेंबली कंस्टिट्यूट करेंगे। समझ में आ रहा है? आ रहा है। इसमें एक बढ़िया सा केस था, क्या था यार, कि जैसे कि राम अहीर करके था शायद, तुम लोग देखना, बात हुई कि पुलिस वालों को खबर दी किसी ने कि तुम जाओ उस रेलवे स्टैंड पे, वहां पे कुछ चार पांच लोग हैं जो शायद रेलगाड़ी से अपना माल लूटने का इंतजाम कर रहे हैं, ठीक। पुलिस को बढ़िया लगी खबर, पुलिस ने कहा ठीक है भाई पकड़ते हैं जाके, तो जब गए पुलिस वाले वहां पे, उनसे जब पकड़ने पहुंचे तो आदमी खड़े थे चार पांच, ठीक है कोई बात नहीं। अब पुलिस ने उनसे कर ली हड़कंप, उनको पकड़ने लगे, उन लोगों ने ढंग से रजिस्ट किया पुलिस के खिलाफ अपनी पूरी फोर्स दिखा के कि भाई तुम क्यों नहीं जा रहे हो, उन्हें रजिस्ट किया और पुलिस ने उनको ओवरकम कर लिया, यानी कि अरेस्ट वगैरह कर लिया। अब बात आई कि उन वो लोग मतलब पुलिस के खिलाफ उन्होंने एक्शन मतलब वो किया, तो क्या वो लोग एक अनलॉफुल असेंबली के पार्ट थे? तो आंसर है नो। क्यों? बिकॉज इस इंफॉर्मेशन मार्च से पुलिस के पास अथॉरिटी नहीं थी कि ऐसे ही किसी को अरेस्ट कर ले जाके, सो पुलिस वॉज नॉट इन्वॉल्व इन ए लीगल प्रोसेस, सो देवर अल्टीमेटली नॉट रेजिस्टिंग इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ए लीगल प्रोसेस। आ रही है बात? हाँ ठीक है, फील आ रहा है ना? आना चाहिए, आना चाहिए। अच्छा देखो, टू कमिट एन ऑफेंस, भाई मैं असॉल्ट करने चलता हूं अपने पांच दोस्तों के साथ जाके, मैं ऑफेंस करने जा रहा हूं, मैं अनलॉफुल असेंबली कर रहा हूं, कुछ खास नहीं इसमें दिक्कत है। ऐसे कोई भी ऑफेंस करने अगर मैं पांच से ज्यादा लोगों के जा रहा हूं, कॉमन ऑब्जेक्ट है मेरा, तो वी आर पार्ट ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, ठीक है। फोर्सिबल पोजेशन और डिस्पोजेशन, ये किस चीज का होगा? ये प्रॉपर्टी का होगा, ये थिंग का होगा। कैसे मेरे भाई? समझो तुम पांच छह आदमी हो, ज्यादा हो, तुम किसी के ऊपर अपनी ताकत दिखा सकते हो, अगर उस ताकत का यूज करके तुम उसको उसकी प्रॉपर्टी से मतलब निकालते हो, ठीक है, या खुद पोजेशन ले लेते हो, तो ये पूरी बात किसके अंदर आएगी मेरे भाई? ये पूरी बात अनलॉफुल असेंबली के अंदर आएगी, ठीक है। अच्छा, टू कंपेल समवन टू डू एन इलीगल एक्ट, मेरे भाई देखो एक और बात, यहां पे दो बातें हैं कि अगर कोई बंदा को मतलब कोई काम करना है उसको करने से तुम रोक रहे हो और जो नहीं करना है वो करवा रहे हो, ठीक है। जैसे कि सीआरपीसी के एक सेक्शन के हिसाब से बात करी जाती है कि मतलब देखो हम बताते हैं, रुको, एक थीफ है, ठीक है, उसको तुमने पकड़ा, ठीक है, तुम्हारी एक ड्यूटी टाइप की थी कि तुमने उसको पकड़ा। अब अगर कुछ लोग तुम्हें फोर्सफुली कहते हैं, तुम्हें रेजिस्ट करते हैं उस थी को पकड़ने से और तुम्हें कहते हैं उसको मतलब तुम पे फोर्स दिखा के उस थी को छुड़वा देते हैं, समझ रहे हो,
तो वो लोग एक अनलॉफुल असेंबली के पार्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? आना चाहिए। मतलब दे आर कंपेलिंग यू टू डू समथिंग विच इज इलीगल। ठीक है? हाँ भाई, ठीक है। तो अब हम लोग एक बात समझते हैं कि अनलॉफुल असेंबली का टर्म जो है ना इंग्लिश लॉ में पहली बार कब आया? तो एक आर वर्सेस हंट का केस है भाई मेरे, आर वर्सेस हंट का। इस केस में तुम लोग पढ़ोगे कि सबसे पहले इंग्लिश लॉ में तुम्हारा ये केस आया, अनलॉफुल असेंबली की बात उठी थी। ठीक है भाई, उठी थी। इसके अंदर क्या था, इन्होंने कहा कि तीन या तीन से ज्यादा आदमी जब कुछ ऐसा करें जिससे नेबरहुड की पीस, मतलब जहां पे भी कांड करें वहां के आसपास की पीस डिस्टर्ब हो, नेबरहुड की पीस डिस्टर्ब हो, तो वो एक अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी। इनकी अपनी डेफिनेशन थी। फिर हमारी जो इंडियन लॉ के हिसाब से आईपीसी की डेफिनेशन है उसको तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं। ठीक है? अच्छा, मैं तुम लोग एक बात बताता हूं यार। एक सिचुएशन अराइज होती है, कैसा होता है कि जब जैसे पांच लोग या पांच से ज्यादा लोग मान लो पकड़े गए किसी काम के लिए अनलॉफुल असेंबली के अंदर, और उनमें से कुछ हो गए एक्विट, चलो कुछ नहीं। अच्छा अपन एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? मान ले मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है? इसमें मान लो क्या हुआ कि पांच लोग पकड़े गए और तीन लोग छूट गए। ठीक है? तब ये बताओ जो बचे दो हुए उनको अनलॉफुल असेंबली के अंदर अप्लाई करोगे? तो एक हम लोग क्वेश्चन करेंगे अपने आपसे, क्या करेंगे? देखो यार, ये बताओ कि जो लोग छूट गए उनको हटा के रख दो, उसके बाद क्या फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देख के ये लग रहा है कि जो कांड हुआ वो केवल दो लोगों के लिए करना पॉसिबल ही नहीं था? अगर ऐसा लग रहा है तो भाई वो दो लोग अनलॉफुल असेंबली के लिए लायबल होंगे। और अगर ऐसा नहीं लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि दो लोग भी कर सकते थे, तो फिर लायबल नहीं होंगे अंडर 149। ठीक, कांड के अपने प्रोविजन अलग होंगे तो ठीक है, अपने कोई मतलब नहीं। अपन बात कर रहे हैं यहां पे किसकी? अपन बात कर रहे हैं अनलॉफुल असेंबली की। ओके, इसी में तो मैं बताता हूं यहां पे नहीं किया गया था लायबल, और सेम तुम्हें याद कराने के लिए कहां किया गया था लायबल वो मैं लाया हूं करतार सिंह तुम्हारे लिए। करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की बात करें मेरे भाई, तो उसमें क्या लगभग 13 आदमी पकड़े गए, 10 छूट गए। ठीक, अब भाई क्या हुआ कि जो बचे हुए तीन थे वो कर दिए गए कन्विक्ट, लेकिन कोर्ट को ऐसा लगा पूरा जो कांड हुआ था उसको देख के कि ये तीन बंदों का काम नहीं है, यहां और लोग भी इन्वॉल्व थे, तो इस बात को देखते हुए कोर्ट ने इस केस में जो थे ना उन लोगों को अनलॉफुल असेंबली के अंदर लायबल किया। आ रही है बात समझ में? आ रही है? ओके भाई, एक पॉइंट हम लोगों ने इन दो केसेस के थ्रू समझ लिया अनलॉफुल असेंबली का। अच्छा, अब एक और बात समझो, हो सकता है कोई असेंबली ऐसा हो कि जो शुरुआत में हो लॉफुल लेकिन सब्सिक्वेंटली वो अनलॉफुल बन जाए। ठीक है, लॉफुल बिकम्स अनलॉफुल। मोतीदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में ऐसा हुआ था। क्या हुआ था कि सपोजिंगली क्या हुआ था, सपोजिंगली समझो, देखो ऐसा है, हम कुछ आदमी हैं, लॉफुली मान लो पीसफुल प्रोटेस्ट ही चल रहा है सपोजिंगली। ठीक, अच्छा, अब हमारा नेता जो था वहां पे उसने बोला चलो भाई इनको कूटते हैं, और भाई सब रेडी हो गए चलो कूट के आते हैं। तो उस ही मोमेंट पे वो ही लॉफुल असेंबली जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही थी उसका एक अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव हो गया टू कमिट एन ऑफेंस, सो इट बिकेम एन अनलॉफुल असेंबली। गॉट इट। ठीक है। अच्छा मेरे भाई, एक बात बताओ, जब कांड वगैरह हो रहा होता है तो आसपास कभी मतलब देखते हो ना, खड़े हो जाते हो कि हाँ लड़ाई चल रही है? ठीक है, मतलब मेयर स्पेक्टेटर होना, मेयर प्रेजेंस रखना कांड होने की जगह पे इज नॉट सफिशिएंट, यू मस्ट हैव कॉमन ऑब्जेक्ट। दिस इज अवर नेक्स्ट पॉइंट। ठीक। अच्छा भाई, तो सेक्शन 141 में ऐसा कुछ भी नहीं रह गया है जो हमने छोड़ा, हम लोग उसको पूरा कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 142, जिसको कवर करके हम लोग अपने मेन टॉपिक पे यानी कि सेक्शन नंबर 149 को समझेंगे।
फिर हम लोग कॉमन इंटेंशन वर्सेस कॉमन ऑब्जेक्ट के डिफरेंसेस को देख लेंगे, ठीक है। तो अगर सेक्शन 142 की बात करें तो चलो पहले रिंग लगा लेते हैं, और बहुत सिंपल सा आया, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन चलो। सेक्शन 142 बीइंग अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली बता रहा है कि एक अनलॉफुल असेंबली का मेंबर कौन होगा, तो भाई कौन होगा कि हूएवर बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट्स, ठीक है, विच रेंडर एनी असेंबली एन अनलॉफुल असेंबली, वो हर एक बंदा जो कि उन सारे फैक्ट्स को जानता हो जो कि किसी भी असेंबली को अनलॉफुल असेंबली बना रही है, इंटेंशनली ज्वाइंस दैट असेंबली और कंटिन्यूज इन इट, अपने स्वयं इच्छा से उसको ज्वाइन करता है या फिर कंटिन्यू करता है, इज सेट टू बी ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। कुछ खास नहीं है, फिर भी थोड़ा मरोड़ी तो अपना करना धर्म है, तो अपन कर देते हैं। क्या हुआ, पर्सन ज्वाइनिंग मस्ट बी अवेयर, अवेयर ऑफ व्हाट, द अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक। पर्सन इंटेंशनली ज्वाइन should continue after being aware of the what of the unlawful objectives, and the last point, may withdraw voluntarily or involuntarily, ठीक है। कुछ खास था नहीं, अच्छा भाई, तो चलो सेक्शन 149 को देख लिया जाए, ये दो हो गए। हाँ तो भाई, अगर सेक्शन 149 की बात करी जाए तो बेसिकली कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी और कॉमन ऑब्जेक्ट, ये दो पॉइंट्स हैं जो कि हमको इसके अंदर डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो सेक्शन को तोड़ने मरोड़ने से पहले रीडिंग लगा ली जाए तो बेहतर होगा, है ना। चलो खोलो, ब्रैकेट निकाल लो, सेक्शन नंबर 149 और रीडिंग लगाते हैं। Every member of an unlawful assembly guilty of offence committed in the prosecution of common object, ठीक है, बहुत सारी बातें तो हम लोगों को समझ में आ ही चुकी हैं। If an offence is committed by any member of an unlawful assembly in the prosecution of a common object of that assembly, or such as the member of that assembly knew to be likely to be committed in the prosecution of that object, कोई नहीं भाई, अंग्रेजी है, समझ रहे हैं तुम्हारी दिक्कत, अभी दे रहे हैं इसको, एकदम तोड़ देंगे ना तो ये इसको एकदम हलवा लगेगी, ठीक है। If an offence is committed by any member of an unlawful assembly in the prosecution of the common object of that assembly, or such as a member of that assembly knew to be likely to be committed in the prosecution of that object, every person who at the time of committing it of that offense is a member of the same assembly is guilty of that offense, ठीक है। देखो, तोड़ने मरोड़ने की बात तुम जानते ही हो, हम लोग बेसिकली इंग्रेडिएंट्स को समझने की कोशिश करेंगे, क्या कि अगर कोई अनलॉफुल असेंबली क्या 141 वाला पूरी कहानी, ठीक है, अगर कोई अनलॉफुल असेंबली में जो कांड है वो चाहे कोई एक बंदा करे, चाहे कुछ लोग मिलकर करें, चाहे सारे मिलकर करें, लायबिलिटी सबके ऊपर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, जो भी वो काम होना चाहिए या जो भी वो इलीगल काम होना चाहिए, वो उस कॉमन ऑब्जेक्ट जो कि उस असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट था, उसी के प्रोसिक्यूशन में होना चाहिए, या फिर ऐसा कुछ होना चाहिए जो कि मेंबर्स को अंदाजा हो कि हां, अगर हम ये कांड करने जा रहे हैं तो बहुत सारी संभावनाएं हैं कि इसके साथ ये वाला कांड भी हो जाए। मैं बताता हूं कैसे। देखो, पॉइंट ऑफ डिफरेंट लायबिलिटी ऑफ डिफरेंट मेंबर्स, देखो यार एक बात बताओ, हो सकता है ना कि अगर कोई कॉमन लोकल असेंबली है तो उसमें अलग अलग मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कम पता हो, ज्यादा पता हो, या फिर अच्छा सुनो, ऐसे नहीं, हो सकता है कि किसी को उतनी इंटेंशन ना हो सामने वाले को हार्म करने की, किसी की ज्यादा हो, मतलब द एक्सटेंट ऑफ कमीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट मे डिफर, समझ में आ रहा है। तो अगर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ये क्लियर हो जाता है कि ये एक्सटेंशन डिफर करता है, तो डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द असेंबली विल बी हैविंग डिफरेंट लायबिलिटी, ठीक है। और मैं तुमको एक बात बताऊं, एक एग्जांपल समझो, मान लो कि तुम्हारा कोई दुश्मन है, ठीक है, तुम्हारा कोई दुश्मन है और तुम अपने
20 दोस्तों के साथ उसके घर पे गए सपोजिंगली उसको किसी काम से धमकाने के लिए। ठीक, अब तुम्हारे किसी एक दोस्त ने, मतलब तुम सबको तो पता है कि हम धमकाने जा रहे हैं, तुम लाठी वगैरह लेके चल रहे हो, तुम धमकाने जा रहे हो, ठीक है ना। तो सब लोग जो लायबल होंगे अभी तक वो, उनका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, धमकाना। तो उसके हिसाब से मान लो मैक्सिमम क्या होगा कि बैटरी कमिट हो जाएगी, बैटरी क्या मतलब मारकुट हो जाएगी, थोड़ा बताए ना, समझ रहे हो। तो मैक्सिमम सब लोग लायबल होंगे तो इस सब चीज के लिए हो सकते, जो कि लाइकली कॉन्सिक्वेंस है उसका, ठीक है, उसके दौरान मतलब झड़प हो जाए, कोई बात हो जाए। लेकिन लेकिन अगर तुम्हारे किसी दोस्त ने उसकी बीवी का रेप कर दिया, जो कि किसी भी मेंबर ने सोचा नहीं था, समझ रहे हो, इट वॉज नॉट विद इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, तब लायबल नहीं होगा। समथिंग मस्ट बी कमिटेड इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, याद कर लो मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। एक बात और आती है, मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट आता है, ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को, ठीक है। तो मेंबरशिप देखो यार होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं है। देखो एक्टिव, जैसे मान लो असॉल्टी करने गए हम लोग, है ना, तो मान लो डंडा मैंने सूद के दिया अगर अपने दोस्त के, उस तुम्हारे अपने दुश्मन के, तो जरूरी नहीं है कि मेरे दोस्त ने भी उसको मारा हो उतना, लेकिन मेरी लायबिलिटी उसके साथ साथ वो भी लायबल होगा, ठीक है। तो मेंबरशिप, बिकॉज ही वाज अ मेंबर ऑफ माय लॉफुल असेंबली, सो ही मस्ट बी लायबल, ठीक है। हाँ भाई, तो आज का और लास्ट वीडियो का मेन जो कंसर्न है कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन के बीच के डिफरेंसेस, वो हम लोग डील करते हैं। क्या है पहला भाई डिफरेंस, कि देखो कॉमन इंटेंशन की बात करें तो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड जरूरी है, याद करो भाई, प्री अरेंज प्लान, याद आ रहा है, तो वो होना जरूरी है। यहां कोई ऐसा नेसेसिटी नहीं है कि ये प्री अरेंज प्लान हो या कॉमन प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड हो, ये चीज भाई दो आदमी होंगे या दो से ज्यादा होंगे तब भी मान ली जाएगी, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन के लिए, जो कि एक अनलॉफुल असेंबली के अंदर होता है, आपको पांच या पांच से ज्यादा लोगों की आवश्यकता होगी होगी। यहां एक्टिव पार्टिसिपेशन स्तरीय है, यहां नहीं है, मैं तो बताया ही, डंडा नहीं मारा तो भी तुम लायबल होगे। एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब इन द प्रोसिक्यूशन, मतलब उसके साथ उसको कांड पे कमिट करने में किसी ना किसी तरह से उसकी मतलब रोल होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इट डज नॉट क्रिएट एन ऑफेंस बाय इटसेल्फ, ये भाई औरों के साथ यूज होता है कि हाँ ये सेक्शन 302 रेड विद सेक्शन 34 सेक्शन है ना, और लोगों की लायबिलिटी को उसमें कंप्राइज करने के लिए, लेकिन ये अपने आप में अनलॉफुल असेंबली एज एन ऑफेंस की बात करता है, जिसकी पनिशमेंट सेक्शन नंबर 143 के अंदर दी गई है। आ रहा है, आ रहा है। नेक्स्ट लास्ट बहुत बेकार सा, मतलब सिंपल सा डिफरेंस है, ये सेक्शन 34 के अंदर दिया गया है, ये सेक्शन नंबर 49 के अंदर दिया गया है, ठीक है, ठीक है भाई। तो कुछ बचे नहीं, सब कुछ टूट तोड़ दिया हम लोगों ने। अच्छा, सेक्शन 149 हो गया, सेक्शन 34 हो गया, कॉमन इंटेंशन हो गया, कॉमन ऑब्जेक्ट हो गया, ज्वाइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी हो गया, पार्टिसिपेशन हो गया, मेंबरशिप हो गया, ठीक है भाई मेरे। इतने प्यार से अगर डिस्टिंक्शंस तुम्हें मैंने समझाए हैं, उतने ही प्यार से तुमको समझ में आए हो, तो प्लीज ये घंटा दबा जाना और हाँ सब्सक्राइब कर जाना, और मजे तुम कर ही रहे हो, करते रहना, बाय।